आप जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे सोए हैं? 10 घंटे? 15? अगर आप 300 साल तक सोए रहे तो कैसा महसूस करेंगे? जी हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो 300 साल तक सोए रहे। इस वीडियो में हम ऐसे मोमिन नौजवानों की बात करेंगे जिनका जमाना तो एक था लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर एक दूसरे से नावाकिफ थे। हम असहाबे कहफ के बारे में बात करेंगे। तकरीबन सब ने ही अपने बड़ों या दीगर लोगों से असहाबे कहफ का किस्सा सुना होगा, लेकिन हम में से बेशतर लोग सिर्फ ये जानते हैं कि असहाबे कहफ 7 अफराद थे जो सैकड़ों साल तक सोए रहे। दर हकीकत हमें उनकी सही तादाद मालूम नहीं। इस वाक्य का मकसद उनकी सही तादाद जानना नहीं बल्कि कुछ और है। वो नौजवान कौन थे? वो अपने समाज से फरार क्यों हुए थे? उन्हें 300 साल तक क्यों सुला दिया गया? और वो कौन से अहम तजर्बे से गुजरे जिसे कुरान की जीरत बना दिया गया? इस्लामी और बास दीगर रवायात की रोशनी में आइए मिलकर असहाबे कहफ का किस्सा सुनते हैं। ये वो वक्त था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। ईसाईयत हजरत ईसा अलैहि सलाम की हकीकी तालीमात के मुताबिक तब तक मुकम्मल तहरीफ से पाक थी। उनमें एक खुदा को मानने वाले तौहीद परस्त ईसाई मौजूद थे। रोमी सल्तनत उस वक्त बुत परस्ती की तरफ मायल थी। वो सिर्फ बुत परस्ती नहीं बल्कि एक खुदा को मानने और बुत परस्ती छोड़कर ईसाईयत अपनाने वालों को जबरदस्ती वापस पुराने दीन पर लाते थे। उन्होंने इसके लिए तमाम हरबे आजमाए, हत्ता के वो पुराने दीन पर ना आने वाले ईसाइयों को अजियतनाक तरीकों से मौत के घाट भी उतारते थे। मसलन वो उन्हें सूली चढ़ाते और दहकती आग में जला डालते थे। ईमान वालों की अक्सरियत कमजोर और गरीब थी। उनमें ऐसे नेक लोग भी थे जिनकी फितरत दौलत और आला हुदों के बावजूद नहीं बदली थी। उन्हीं में से कुछ असहाबे कहफ थे जिन्हें 7 ख्वाबीदा अफराद भी कहते हैं। नौजवानों का ये ग्रोह रोमी सल्तनत में अहम ओहदों पर फायज था। वो ईमान पर कायम थे मगर अपने ईमान को छुपा रखा था। ईमान वालों पर जुल्म और सितम देखकर उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। मोमिनों पर बरसने वाला हर चाबुक उन्हें शदीद ठेस पहुंचाता था। वो कुछ करना चाहते थे मगर आखिर क्या कर सकते थे? उनका ताल्लुक एक ही जमाने से था मगर वो एक दूसरे से नावाकिफ थे। रोमी त्योहार में देवताओं पर जानवरों की भेंट चढ़ाते वक्त जब भी मुमकिन होता एक दूसरे से बेखबर, दूसरों की नजरों में आए बगैर दूर चले जाते और इन त्योहारों में शिरकत से इनकार कर देते थे। एक दिन लोगों में बड़ी अफरा तफरी और हलचल का समा था क्योंकि रोम का शहंशाह शहर के दौरे पर आ रहा था, लिहाजा रोमी गवर्नर ज्यादा से ज्यादा ईसाइयों को बेदीन करना चाहता था। उसने उन पर जुल्म और सितम और बढ़ा दिया। वो चाहता था कि जब रोमी शहंशाह आए तो बुत परस्ती का इनकार करने वाला कोई फर्द बाकी ना रहे। मगर इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर उनकी तवज्जो नहीं गई। उन्हीं में शामिल कुछ लोग, अल्लाह ने एक मुकर्रा वक्त तक उन नौजवानों के ईमान को रोमी गवर्नर पर जाहिर नहीं होने दिया, बिल्कुल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। जब मक्के वाले उन्हें कत्ल करने पहुंचे थे तो अल्लाह की कुदरत से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में न देख पाए। अब वो अहम दिन आ पहुंचा था। शहर के शुरफा बारी बारी रोमी शहंशाह के आगे झुककर अपनी वफादारी का इजहार कर रहे थे। अब असहाबे कहफ में से एक नौजवान की बारी थी जो अभी तक उनकी नजरों में नहीं आया था। उस नौजवान ने सोचा कि अब खुदा पर अपने ईमान के इजहार का दुरुस्त वक्त आ गया है। अल्लाह ने उसका दिल मजबूत कर दिया और उसने बड़ी बहादुरी से शहंशाह के सामने पुकार कर कहा, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का रब है। हम हरगिज नहीं पुकारेंगे उसके सिवा किसी और माबूद को। अगर ऐसा हुआ तब तो हम बहुत गलत बात कहेंगे। नौजवान के इन जुर्रतमंदाना अल्फाज ने दीगर नौजवानों को भी हौसला दिया और उन सब ने आगे आकर अपने खुफिया ईमान का इजहार कर दिया। उन्होंने रोम के तमाम मौजज़ीन के सामने अपनी आवाज बुलंद की। शहंशाह उन नौजवानों के सामने उनकी जबान से निकले हक के चंद कलमात की बदौलत रुसवा हो चुका था।
शहंशाह के इर्द गिर्द मौजूद लोग उन्हें कत्ल कर देना चाहते थे, लेकिन शहंशाह अच्छी तरह जानता था कि अगर इन नौजवानों को कत्ल कर दिया गया तो ये खबर पूरी रोमी सल्तनत में फैल जाएगी और ये नौजवान हीरो बन जाएंगे, जो वो हरगिज नहीं चाहता था। चनाचे उसने उन नौजवानों को पुराने मजहब पर लौटने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। जुल्म, तशद्दुद, कुछ भी उन नौजवानों को ईमान से न हटा सका। ये नौजवान किसी तरह शहर से फरार हो गए और एक रास्ते पर चल पड़े। इस सफर के बाद, जिसमें कतमीर नामी कुत्ता भी साथ हो लिया था, वो अपने रब पर भरोसा करते हुए एक गार में पनाह गजी हुए, जिसके मुतल्लिक ख्याल ये है कि वो अंजलस पहाड़ पर वाके है। जब उनका पीछा करने वाले गार में दाखिल हुए तो खौफ के मारे भाग खड़े हुए। वो तकरीबन 300 साल तक इस गार में कैसे रहे, हम इसे सूरा कहफ की आयात से समझ सकते हैं। और अगर तुम उन्हें देखते तो तुम समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। और हम उनकी करवटें भी बदलते रहे, दाएं और बाएं, और उनका कुत्ता अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था दहलीज पर। अगर तुम उन पर झांकते तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाते और तुम पर उनकी तरफ से हैबत तारी हो जाती। बिलाखिर असहाबे कहफ कई साल बाद नींद से जागे। उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो ताजुब करने लगे कि कितनी देर सोते रहे। उनमें से एक ने कहा शायद एक दिन या इससे कुछ ज्यादा, ताहम उन्हें मालूम ना था कि सदियां गुजर चुकी हैं। इस तवील नींद के बाद शदीद भूख लगने पर असहाबे कहफ ने एक साथी को शहर भेजा और छुपकर ख्याल से जाने की हदायत की। शहर जाकर उसे अजीब तजर्बा हुआ। वो हैरान था कि चंद दिनों में शहर का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है। मंदिरों की जगह कलीसाओं ने ले ली है। उससे पहले की तरह इनके गिर्द बुत भी नजर नहीं आए। लोगों की सारी गुफ्तगू खुदाए वाहिद के मुतल्लिक थी। शहंशाह के सामने तौहीद की उस पुकार का समर आज खुदा परस्तों की सूरत में सामने था। लोग अब लकड़ी और पत्थर से बने बुतों के पुजारी नहीं थे। माजी में खुदाए वाहिद पर ईमान को छुपाया जाता था, मगर अब बुतों को पूजना और जाहिर करना मुश्किल हो गया था। हैरत से इर्द गिर्द देखते और खाना तलाश करते हुए उस नौजवान को रोटी की एक दुकान नजर आई। उसने खुद अपने और साथियों के लिए रोटी खरीदी। कीमत अदा करने के लिए उसके पास चांदी का एक सिक्का था। दुकान का मालिक समझा कि इस नौजवान के हाथ कोई खजाना लग गया है, क्योंकि यह सिक्का सदियों पुराना था। दुकानदार ने इसकी इत्तला फौरन रोमी अहदेदारों को की। फिर उस नौजवान को महल में ले जाया गया, जहां उसे हकीकत का इल्म हुआ। दरअसल वो एक या दो दिन नहीं बल्कि सदियों तक सोए रहे। किसी हिकमत के पेश नजर अल्लाह ताला ने कई साल उन पर नींद तारी किए रखी। जिस दौर में वो बेदार हुए तब लोग आखिरत से मुतल्लिक शक में मुब्तला थे और ये बहस गर्म थी कि दोबारा जिंदा होना कैसे मुमकिन है। सदियों बाद बेदारी के इस वाके से सबको ये बात समझने और इस पर गौर करने का मौका मिला कि जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे अपने बंदे को जिंदगी दे सकता है। वो इन नौजवानों की तरह उन्हें बरसों सुलाकर दोबारा बेदार कर सकता है। लिहाजा जो लोग मरने के बाद कब्रों में सो रहे हैं, उन्हें अल्लाह जब चाहेगा इस हालत से दोबारा जिंदा कर देगा, और ये उसकी कुदरत के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस अल्लाह ने इन्हें बेदार किया वो हम सबको भी मौत के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। उनकी बेदारी के बाद हजारों लोग जोक दर जोक असहाबे कहफ को देखने गार में पहुंचे और इन नौजवानों को देखा जो सदियों तक वहां सोए रहे थे। चनाचे आखरत पर लोगों का ईमान, दूसरे अल्फाज में अल्लाह का मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर उनका ईमान मजबूत हो गया। लोगों से मिलकर ये नौजवान दोबारा गार में दाखिल हुए। वो अपने रब के हजूर दुआ करते हुए सजदे में ज़ेर हो गए, जिसने उन्हें दोबारा बेदार किया था, और फिर कयामत तक के लिए मौत की नींद सो गए। इस वाके के बाद रोमी हुक्मरानों ने ऐन इसी जगह एक इबादत का तामीर करवाई। इसी तरह आखरत के सबूत पेश करने का फर्ज निभाकर असहाबे कहफ की दास्तान खत्म हुई। वो अपने रब पर ईमान रखने वाले चंद नौजवान थे। वो इन फिक्रों में नहीं पड़े कि ये मुशरिकाना जिंदगी कब तक चलती रहेगी, हक कब तक गालिब आएगा।
बल्कि उनका ईमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस बात पर था। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वो दिन के उजाले में सुना जाएगा, और जो कान में सरगोशियां तुमने अंदरूनी कमरों में की उनकी छतों से ऐलान किया जाएगा। उन्हें सिर्फ एक फिक्र थी, क्या हम वो दिन कभी देख पाएंगे? अल्लाह ने उन्हें वो दिन दिखा दिए। फतह मक्का में भी यही हुआ था। उस दिन बुत तोड़ दिए गए थे और मक्के की गलियों और काबा की छत से हक का ऐलान हुआ था। रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई थी, और आप कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल है ही भाग जाने वाला। आज जब हम में से कुछ लोग दुनिया और दुनिया वालों को देखते हैं तो परेशान होकर पूछते हैं, आखिर कब तक इंसानियत जवाल पजीर रहेगी? हक दोबारा कब गालिब आएगा? हम मायूसी का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन असहाबे कहफ की मिसाली दास्तान समझाती है कि हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। फतह मक्का इसकी सबसे रोशन मिसाल है। रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बुलैन आज करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचा? इसलिए कि उन्होंने सिर्फ अपने रब्बे जुल जलाल पर भरोसा किया, क्योंकि वो जानते थे कि जिसका दीन है वो उसे जरूर गालिब करेगा। यही वजह है कि जब कुरैश मक्का बड़ी बड़ी पेशकशें लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, मफहूम, अगर तुम मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पर सूरज लाकर रख दो तब भी मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा। या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर देगा या फिर मेरी जान ही इस राह में चली जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशकशें ठुकरा दी, क्योंकि आपके अजीम मकसद में मादियत नहीं बल्कि रूहानियत और बातिल नहीं बल्कि हक का गलबा था। इस मकसद के लिए जान देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ एक जिंदगी थी, और वो बाहर सूरत अल्लाह ही के लिए थी। अल्लाह अपने नूर की तकमील जरूर करेगा, खा कोई कुछ भी कहता या करता रहे, ख्वाह हम उसके दीन की मदद करें या ना करें। उसे अपने नूर की तकमील के लिए हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसका हिस्सा बनना होगा, क्योंकि यही नूर हमारी निजात का जामिन है। अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशुमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं, लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टूवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बनें।